आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमारी उर्दू तहरीरी और ज़बानी की क्लास है। आज हम अपने ज़बानी निसाब से पढ़ेंगे और हुरूफ़ तहज्जी की पहचान फ्लैश कार्ड से करेंगे, और इसके अलावा हम होमवर्क के बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हुरूफ़ तहज्जी, और काम शुरू करने से पहले क्या करते हैं, हम दुआ पढ़ते हैं ना। तो सब बच्चे अच्छी आवाज से दुआ पढ़िए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन। बच्चों, पहले हम हुरूफ़ तहज्जी पढ़ेंगे। हुरूफ़ तहज्जी हम फ्लैश कार्ड से पढ़ेंगे, ठीक है? ये क्या है, ये कौन सा हुरूफ़ तहज्जी है बच्चों? ये कौन सा हुरूफ है? अलिफ, अलिफ खाली, ठीक है? अलिफ के बाद बे, बे और बे के नीचे एक नुक्ता, बे के बाद पे, पे के नीचे तीन नुक्ते, पे के नीचे तीन नुक्ते, ठीक है? और पे के बाद ते, ते के ऊपर दो नुक्ते, ते के बाद टे, टे के ऊपर छोटी तोए, टे के बाद से, और से के ऊपर कितने नुक्ते हैं? तीन नुक्ते, से के ऊपर तीन नुक्ते, ठीक है बच्चों? और अब हम अपने ज़बानी निसाब की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम तारुफ के जो सवाल जवाब हमने पढ़े थे ना, हम उनकी दोहराई करेंगे, ठीक है? सफा नंबर 15, तारुफ। सवाल नंबर 1 और 2 हम पढ़ चुके थे, आज हम इनकी दोहराई करेंगे और फिर आगे नया सवाल का जवाब भी याद करेंगे, ठीक है? सवाल नंबर 1, आपका नाम क्या है? जवाब, मेरा नाम अहमद है। अहमद हमने फर्जी नाम रखा था ना, आपको अपना नाम बताना है, ठीक है? सवाल नंबर 2, आपके अब्बू का नाम क्या है? जवाब, मेरे अब्बू का नाम हसन है। हसन भी फर्जी नाम है, यहाँ पे आपको अपने अब्बू का नाम बताना है। आज हम नया सवाल पढ़ेंगे और वो सवाल है, आपके मदरसे का नाम क्या है? सवाल नंबर 3, आपके मदरसे का नाम क्या है? जवाब, हमारे मदरसे का नाम इकरा रौज़तुल अतफाल है। जवाब, हमारे मदरसे का नाम इकरा रौज़तुल अतफाल है, ठीक है बच्चों? यहाँ तक सवाल नंबर 3 तक आपको जो है याद करना है, और अब हम एक नई नज़म पढ़ेंगे, और नज़म का नाम है मोटर कार। सफ़ा नंबर 17 पर मोटर कार, ठीक है? सब बच्चे अच्छी आवाज़ से पढ़ेंगे। अब्बू लाए मोटर कार, उसके नीचे पहिए 4, चाबी से ये चलती है, पोपो पोपो करती है, आगे जाए पीछे जाए, दाएं बाएं ये मुड़ जाए। दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है? अब्बू लाए मोटर कार, उसके नीचे पहिए 4, चाबी से ये चलती है, पोपो पोपो करती है, आगे जाए पीछे जाए, दाएं बाएं ये मुड़ जाए, ठीक है बच्चों? एक दफा और पढ़ेंगे नज़म मोटर कार। अब्बू लाए मोटर कार, उसके नीचे पहिए 4, चाबी से ये चलती है, पोपो पोपो करती है, आगे जाए पीछे जाए, दाएं बाएं ये मुड़ जाए, ठीक है बच्चों? ये नज़म आपको याद करनी है, और ज़बानी निसाब में आज हमने यहीं तक पढ़ना है।
और जहां जो भी आपको पढ़ाया गया है ना उसको अच्छा अच्छा याद कीजिए, ठीक है। और अब मैं आपको प्रैक्टिस कॉपी के बारे में बताऊंगी, जो जिसमें आपका विंटर वेकेशन है, ठीक है ना। अब आपकी जो सर्दियों की छुट्टियां हो रही है ना, उसमें आपको जो काम दिया जाएगा वो आपको इस कॉपी में करना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, पहले सफ़े पर जो है ना आपको देखिए कि पेंसिल फेरिए, क्या है, पेंसिल फेरिए। आपने क्या करना है कि ये नुक्ते बने हुए हैं इन पे आपको पेंसिल फेरना है, और सब बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेसिंग आती है ना भाई। अलिफ, अलिफ के बाद बे, बे को ट्रेस करना है, ठीक है ना। और बे के बाद आपको ट्रेसिंग करनी है पे की, ठीक है ना। यहां तक आपका विंटर वेकेशन है उर्दू का, उर्दू का जो सर्दियों का काम है, अलिफ बे और पे, ये आपको ट्रेसिंग करनी है। और घर में बहुत अच्छी इसकी प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको अच्छा अच्छा लिखना आ जाए, ठीक है बच्चों। और फिर आप, ठीक है बच्चों, ये आपका विंटर वेकेशन है, और विंटर वेकेशन जो है ना वो आपको घर पे रहकर ही गुजारनी है, बाहर नहीं जाइएगा ज्यादा, ठीक है। घर में रहिए, सेफ रहिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और घर में रहकर बिल्कुल भी शरारती नहीं करनी है, मम्मा की बात माननी है, ठीक है ना। और जो भी आपका ये काम है ना विंटर वेकेशन का, ये आपको बहुत अच्छा अच्छा साफ सुथरा प्यारा प्यारा काम करना है। और जहां तक आपको पढ़ाया गया है ना जबानी निसाब में, वो भी आप सबको बहुत अच्छा अच्छा याद करना है, ठीक है ना। घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।